कोरोना काल में बहुत लोग का रोजगार बंद हुआ, तो मांगने वालों का भी रोजगार बंद हुआ है। अभी हम आपको एक नई एक स्टोरी बताते हैं कि जैसे ठेले वालों का काम बंद हुआ, दुकान वालों का बंद हुआ, बहुत सारे नौकरियां छूटी। तो ऐसा नहीं कि जो गरीब, जो सबसे गरीब तबका था, जो ट्रेन के भरोसे अपना जीवन चलाता था और 2005 से ट्रेन में चल रहा था, वो भी बेरोजगार हुआ, उसको ट्रेन से उतार दिया गया। अभी हम ऐसी एक परिवार है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, एक बुजुर्ग महिला है। हाँ बताओ। हाँ, मैं मिथिलेश यादव बोल रहा हूँ, भिलाई कुर्सी पार में रहता हूँ। ये हमारे लड़का है संदीप यादव, उम्र इनका 9 साल है। हमारे मिसेस है सरिता यादव, उनका उम्र है 32 साल। एक लड़का है बड़ा हमारा, उनका संजय यादव, वो भी है 10 साल का। हम जीवन पालन ट्रेन में ही करते थे। हाँ। तो जीवन पालन ट्रेन में करते थे, तो आजकल जाने नहीं दे रहे हैं, बोलते तुम लोग बाजार में घूम घाम के मांगो। तो हम बच्चा पकड़ के अगर घूम के मांगते थे, बच्चे को लाइफ खराब हो जा रहा है। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा हमारा छोटा लड़का है। अच्छा, तो तुम्हारे बच्चे भी कितने हैं? 2 लड़का है, एक ये है, एक ये है, घर में है, इनसे बड़े हैं। तो ये देखिए कि इनको ट्रेन में 2 साल से मांगने नहीं दिया जा रहा है। ये ट्रेन में मांग कर अपना गुजर बसर करते थे और उस गुजर बसर से ही इनका घर चलता था। ये आँख से इनको दिखाई भी नहीं देता। ये कब से नहीं दिखाई देता है? हमारा बचपन से दिखाई नहीं देता। इसका मम्मी भी बचपन से पोलियो वाले, बैठे बैठे चलती, खड़ा नहीं हो पाती है। अच्छा, तो ये बताओ कि जब आप इसमें कमाते थे ट्रेन में, तो कितना पैसा मिल जाता था? मिल जाता था कभी 700, कभी 800, कभी 1000 भी हो जाता था पर दिन का। जी, तो अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया होगा? अभी तो फिलहाल नहीं है सर। तो वो पैसा जमा नहीं है? नहीं है सर, खर्चा हो जाता था। किस में खर्चा हो जाता था? बाल बच्चे में पढ़ाना लिखाना। तो 700 रुपये पर दिन खर्चा हो जाता था? हाँ सर, कुछ साग सब्जी, दूध और कुछ कपड़ा लगता, ये सब। अच्छा, इनको 700 रुपये भी मिलता था मांगने से, ये बात आज हमको पता चली है। दूसरा, ये आपको मकान से क्या हो गया है? कागज दिखा रहे थे आप मकान में रह रहे थे सर, तो हम 467 रुपये पटा रहे थे प्रत्येक महीना। तो जब से ट्रेन में नहीं जा रहा हूँ, तब से इसका कर्जा बढ़ गया है, 13,990 रुपये पटाना है। किराया है क्या ये? नहीं, नगर निगम से घर मिला है। तो उसका 400 रुपये पटाना पड़ता है? 467। अच्छा, और 33,000 का मकान है, 5,002 रुपये दे का मेंटेन करवाए थे। अच्छा, तो अभी 14,000 के आसपास पटाना, नहीं तो निरस्त हो जाएगा, ऐसे करके बोल रहे। ये एक पट्टे वाले मकान में भी रहते थे, तो 700 का 400 रुपये तो इसमें ही खर्च हो जाता था। अब आप देख सकते हैं कोरोना का असर। और ये जो ये एक VIP इलाका है जहाँ सभी मंत्रियों के मकान हैं, वहाँ पे ये मदद मांगने के लिए घूम रहे हैं। और इनको अगर कोई मदद करता है, कोई नेता या कोई, तो इनका जीवन सुधर जाएगा और इनका मकान बच सकता है। RPL न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।